लखनऊ प्रशासन को इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर तुरंत हटाएं। 16 मार्च को मामले की अगली सुनवाई पर प्रशासन को देनी होगी कार्रवाई की रिपोर्ट। CAA विरोधी प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों और तोड़फोड़ के आरोपियों के प्रशासन ने लगाए थे पोस्टर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारे गए 2 आतंकी, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अखिलेश यादव से जताया विरोध। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को दिखाए थे काले झंडे। कार्यकर्ताओं पर SPG कर सकती है कड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने PFI के सदस्य को किया गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने दानिश अली को त्रिलोकपुरी से पकड़ा है। कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा रद्द। बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती समारोह में विदेशी मेहमानों को नहीं बुलाने का लिया फैसला। उत्तराखंड में भी कोरोना को लेकर अलर्ट। मुख्यमंत्री आवास और BJP आवास पर होने वाले होली मिलन कार्यक्रम रद्द। देहरादून में शुरू हो रहे झंडा मेले को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 40 हुई। केरल में 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि। बच्चे को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। कोरोना से इटली में एक दिन में 133 लोगों की मौत। ईरान में फंसे 22 भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने कोशिश की तेज। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 3,802 पहुंची। दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। जामिया नगर से ISIS से जुड़े पति पत्नी गिरफ्तार। हिंसक प्रदर्शन के लिए लोगों को भड़काते थे। IPS अजय पाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। SIT की रिपोर्ट के बाद विजिलेंस जांच के आदेश। अजय पाल शर्मा समेत 3 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज कराएगी विजिलेंस। 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर पहुंचे CM योगी ने शिव मंदिर में की पूजा। भगवान का दुग्धाभिषेक भी किया। गोरखपुर में ही होली मनाएंगे मुख्यमंत्री योगी। औली में ITBP जवानों की मॉक ड्रिल। भारी बर्फबारी के बीच बर्फ में फंसे लोगों को बचाने के लिए मॉक ड्रिल। वाराणसी के मंदिर में कोरोना से बचाव का अनोखा संदेश। पहला देश भर महादेव मंदिर में भगवान शिव को लगाया मास्क। स्पर्श दर्शन नहीं करने की अपील की। यूपी के रामपुर में राष्ट्रीय एकता का पैगाम देने के लिए हिंदू मुस्लिम ने मिलकर होली खेली। सभी समुदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। प्रयागराज में होली के दिन हथौड़े की बारात निकालने की अनूठी परंपरा। इस शादी में भारी भरकम हथौड़ा होता है दूल्हा। शहर की गलियों से निकाली जाती है दूल्हे राजा की भव्य बारात। परंपरा में बुराइयों को खत्म करने का दिया जाता है संदेश। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल नेटवर्क की इक्वा लाइन की सेवाएं होली के दिन दोपहर 2 बजे से होंगी उपलब्ध। 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो की सेवाएं चालू रहेंगी। रायपुर के दलदल सिवनी में जानलेवा पानी पी रहे हैं लोग। जांच में इकोलाई और सीडोमोनास जैसे बैक्टीरिया का खुलासा। पिछले साल पीलिया और डायरिया से हुई थी कई मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ पहुंचे दिग्विजय सिंह ने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार गिराने के लिए BJP 3 असफल प्रयास कर चुकी है, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है जो 5 साल चलेगी। छत्तीसगढ़ के कोरिया में 2 दुकानों में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि करीब फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करीब 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। धमतरी में बुजुर्ग ई रिक्शा चालक कैलाश तिवारी ने सोलर ई रिक्शा बनाया है, जिससे अब उन्हें अपने ई रिक्शा की बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही उनका रिक्शा कहीं रुकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। 3 लोग चला रहे थे बाइक। बाइक सवार 3 दोस्तों की मौत। मध्य प्रदेश में 18 मार्च को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री तरुण भनोट। जनता से नहीं लिया जाएगा कोई नया टैक्स। कमलनाथ सरकार के दूसरे बजट में होंगी कई कल्याणकारी घोषणाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक शेरा की गृह विभाग पर नजर। बोले, होली के दूसरे दिन मंत्री। मंत्री गोविंद सिंह ने कसा तंज। बोले, शेरा तो प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक, किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही आधी आबादी पर जुल्म की घटनाएं। सीधी में गैंग रेप पीड़िता ने फांसी लगा कर दी जान। घटना के बाद से ही डिप्रेशन में थी युवती। अमरकंटक दौरे पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल। मार्कंडेय आश्रम में किया रुद्राभिषेक।
रतनपुर में दर्शन के बाद रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में चल रहे भगोरिया पर्व में आम लोगों के साथ शामिल हुए नेता और अफसर। मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी शामिल हुई। हिंदुस्तान की संस्कृति से प्रभावित होकर अमेरिका से आए विदेशी जोड़े ने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सात फेरे लिए। पंडित ने हिंदू रीति रिवाज से मंत्रोच्चारण कर विवाह संपन्न करवाया। जेडीयू नेता की बेटी पुष्पम प्रिया की नीतीश के खिलाफ खुली बगावत। लंदन से खुद को घोषित किया मुख्यमंत्री उम्मीदवार। कहा 2030 तक बिहार को यूरोप जैसा बनाएंगे। झारखंड के दुमका के गांधीनगर मोहल्ले में मकान में गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। हादसे में एक महिला घायल हो गई। आग से लाखों की संपत्ति राख। झारखंड के गोड्डा में करोड़ों की मशीन जलाने के आरोप में बीजेपी नेता सहित चार गिरफ्तार। 9 जनवरी को वाटर पाइपलाइन बिछाने वाली दो मशीनों को फूंकने का मामला। बीजेपी नेता सूर्य हांसदा पर भी आरोप। झारखंड गढ़वा के चिनिया रोड पर सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान की मौत। ड्यूटी से घर वापस लौटते समय नाले में गिरी मोटरसाइकिल। जिला पुलिस लाइन में गम का माहौल। होली के मौके पर सोशल साइट पर रांची पुलिस की नजर। सोशल साइट के जरिए सौहार्द बिगाड़ने की साजिश पर होगी सख्त कार्रवाई। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। देश पर चढ़ा होली का खुमार। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में होली की धूम। अमृतसर में लोगों ने खेली फूलों की होली। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन। पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक। प्रत्याशी चयन के लिए चुनाव समिति ने सतीश पूनिया को किया अधिकृत। राजस्थान के झालावाड़ में दर्दनाक हादसा। जीप ने बाइक को टक्कर मारी, दो लोगों की मौत। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में होली के बिखरे रंग। मंदिर में भक्त खेल रहे ठाकुर जी संग होली। राजस्थान के उदयपुर में देर रात एक ही परिवार के बीच हुआ होली संघर्ष, दो लोगों की मौत, चार लोग हुए घायल। पुणे के भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी रहे मिलिंद एकबोटे ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से मुलाकात की। मिलिंद एकबोटे ने राज ठाकरे की तारीफ की। एकबोटे ने कहा, राज ठाकरे की हिंदुत्व की भूमिका स्वागत योग्य है। महाराष्ट्र के पुणे में असंगठित कामगार महिलाओं के संगठन ने रैली की। मंच से अवैध शराब, जुए को बंद करने और एलपीजी के बड़े दाम को कम करने की मांग की गई। महाराष्ट्र के पंडरपुर में महिलाओं ने चलाया अनोखा अभियान। पंडरपुर के माढ़ा शहर की नगर पालिका की तरफ से 1500 घरों पर महिलाओं के नाम की नेम प्लेट लगाई गई। मुंबई के भाईखला नागपाड़ा इलाके में लगी आग। धोबी घाट के सेक्रेटा स्कूल के पास लंबस्ती में आग। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मुंबई से लगे कल्याण में एक फर्नीचर की दुकान से 6 फीट का अजगर बाहर निकल आया। अजगर देखते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। अजगर को पकड़कर पास के जंगल में छोड़ दिया गया है। कोलकाता में मनाया गया डोल उत्सव। लोग रंगों से मना रहे होली। रविंद्रनाथ टैगोर के गानों पर किया गया नृत्य। होली से ठीक एक दिन पहले पूरे बंगाल में मनाया जाता है डोल उत्सव। सुखना लेक कैचमेंट एरिया में बने घरों को 3 महीने में गिराने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लोग लामबंद। कांसल में बैठक का चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। कैप्टन सरकार समेत पंजाब के अन्य सियासी दलों का मिला समर्थन। आंध्र प्रदेश के अरसावेल्ली के सूर्य मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर की जाती है पूजा। 7वीं शताब्दी में बनाया गया था मंदिर। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक कोरोना संक्रमित मरीज को ठीक कर लिया गया है। 24 साल के इस सॉफ्टवेयर कर्मचारी का इलाज गांधी अस्पताल में चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश सरकार ने 12 जिलों में किया दिशा थानों का उद्घाटन। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में दिशा थानों की स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए बीजेपी और जनसेना के बीच गठबंधन। दोनों दल साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे। विजयवाड़ा में जल्द होगी दोनों दलों की बैठक। आंध्र प्रदेश में जगन सरकार के 3 कैपिटल थ्योरी का विरोध तेज। रविवार को विजयवाड़ा में महिलाओं ने एक मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। तमिलनाडु के रामेश्वरम में वन विभाग के कर्मचारियों ने समंदर में छोड़े 245 कछुए के बच्चे। इन्हें कुछ दिन पहले पकड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और प्रदेश के लोगों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा, त्योहार के हर्षोल्लास में मर्यादा का भी रखें ध्यान। कोरोना को लेकर भी सावधानी बरतने की भी सलाह।
जौनपुर में होली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। होली से पहले एक कार्यक्रम का आयोजन लोक गायक आशीष पाठक ने अपने गानों से समा बांधा। राजस्थान के बीकानेर में होली के मौके पर अनोखा फुटबॉल मैच, कोई बना मोदी, कोई ट्रंप तो कोई राहुल गांधी, कोरोना पर जागरूकता का दिया संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं खेलेंगे होली, ट्वीट कर कहा, विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए होली और होली मिलन से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में नहीं लूंगा हिस्सा। उत्तराखंड के नैनीताल में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने मैदे और मक्की के आटे से बनाया होली का रंग, चुकंदर से लाल, पालक से हरा और गेंदे से नारंगी रंग के हर्बल कलर तैयार किए। हर्बल कलर्स की मांग के चलते पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बनाया जा रहा है इको फ्रेंडली कलर, गुलाल बनाने की तैयारियों में जुटे स्वयं सहायता समूह। कोरोना वायरस की चपेट में आया इटली का पर्यटन उद्योग, रोम के हवाई अड्डे से गिनी चुनी फ्लाइट, पूरा एयरपोर्ट खाली। कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान से आया अजीबोगरीब वीडियो, चीन का मजाक उड़ाता दिखा पाकिस्तानी, रवीना टंडन ने किया वीडियो शेयर। अभिनेता अर्जुन कपूर ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जाकर मत्था टेका, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की, लिखा वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।